वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी आप जहां भी हैं खुश हैं, मस्त हैं, साथ में आप सभी अपने प्रिपरेशन रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो टुडे वी हैव अमेजिंग टॉपिक ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। वी विल गेट मेनी क्वेश्चंस एंड अलोंग विद वी विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन फॉर योर रिवीजन, राइट। सो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पार्टिकुलर टॉपिक से पूछा नहीं जा रहा है, इज इट? बट अगेन दिस इज आवर ड्यूटी कि जितना भी पूछा जा रहा है उसमें हम अपना बेहतर और अपना बेस्ट लेके जाएं। यू कैन सी दैट कि ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, इज इट? 4-5 क्वेश्चन दे आस्क, बट अगेन दिस 4-5 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, इज इट? चलिए तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहां है, क्वेश्चन को पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद सिस्टम अप्रोच? इनमें से कौन है जो सिस्टम अप्रोच से एसोसिएटेड नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद व्यवस्था उपागम सिस्टम अप्रोच? एवरीवन इज गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर डी। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया मुझे लग रहा है, बट अगेन कोई बात नहीं, यू ऑल आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, सबाइन, बिकॉज सबाइन इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकुलर अप्रोच। सबाइन किस अप्रोच से एसोसिएटेड है? ही इज एसोसिएटेड विद हिस्टोरिकल अप्रोच, इतिहास एक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच से ही एसोसिएटेड है, ऐतिहासिक उपागम से आप इनको एसोसिएट करके देख पाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब जब बात आई है सिस्टम अप्रोच की, लेकिन उसके पहले वी विल हैव ए स्मॉल रिवीजन ऑन इनिशियल और वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कैन यू एक्सप्लेन योर कैन यू कमेंट हु इज नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? एनीवन? वेरी गुड। एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एरिस्टोटल डिड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्मेशन। अरस्तु जो है उन्होंने टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी की थी? वेरी गुड। ही स्टडीड 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, इज इट? और साथ ही में ही क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में था? इट इज अबाउट टोटल 6 पार्ट्स, इज इट? टोटल 6 भागों में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर रखते हैं बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यहाँ पे गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू और रूल बाय मेनी, इज इट? रूल बाई वन, फ्यू एंड मेनी। अगर रूल बाई वन हो रहा है और ये बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो बताइए यहाँ क्या होगा? What we will get here? The answer would be tyranny. Is it? Good form of government is monarch, Raja Sahab, monarch. Few में अगर बात करें तो few में bad form of government कौन सा था? It is oligarchy. It is oligarchy and this is aristocracy. This is aristocracy. और अगर rule by many की बात करें तो यहां पर bad form of government क्या आता था? Democracy. It is democracy. And in good form of government, we are getting polity. Polity is the best form of government according to. और अगर हम बात करें तो in which among the following is worst form of government? अरिस्टोटल के अनुसार इनमें से कौन सा सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे बेकार है? डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज इट? अरिस्टोटल के अनुसार या सबसे बुरी क्वेश्चन
सिस्टम अप्रोच का जो बात किया वो एक बड़ा फॉलो है। Am I audible now? Am I audible now? मेरी आवाज जा रही है? Am I audible? My voice, PPT screen, everything is good, clear now. Everything's fine. अब ठीक है? चलिए बोलो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। I was asking कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने सोशियोलॉजी में सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया? तो आंसर वुड बी टैल्कॉट पार्सन। इनमें से वो कौन है जिन्होंने यह कहा कि हु स्टेटेड दैट पावर फ्लोज इन आवर सोसाइटी लाइक मनी डज। जिस प्रकार हमारे समाज में पैसों की प्रवाह होती है उसी प्रकार हमारे समाज में यानी कि शक्ति का प्रवाह होता है। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टैल्कॉट पार्सन ने इस पर्टिकुलर बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हु रोट द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी डेविड एप्टर। ठीक है, इनकी और कुछ किताबें हैं, डेविड एप्टर की और कुछ किताबें हैं जैसे आइडियोलॉजी एंड डिसकंटेंट। ध्यान रखिएगा आइडियोलॉजी एंड डिसकंटेंट। एक और है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस। इन चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मेरी आवाज फिर से गई? मेरी आवाज नहीं जा रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज जा रही है? ओके फाइन। थोड़ा गड़बड़ है क्या? थोड़ा सभी को क्लियर होगा? मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड, एवरीथिंग इज गुड। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये बुक्स हैं आपके डेविड एप्टर साहब के। क्लियर? चलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए ये बताइए, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन। ये बताइए वो कौन से थिंकर थे जिन्होंने एरिस्टोटल के बारे में यह कहा कि एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर। एनीवन? Who stated that Aristotle was first systematic thinker? प्रथम व्यवस्थावादी विचारक थे। सबाई? नो नो फॉस्टर नो चलिए पढ़ाया था, याद नहीं है? याद रखिएगा एरिस्टोटल को प्रथम व्यवस्थावादी थिंकर बताया है मार्टिन कपलान ने। Is it? मार्टिन कपलान याद रहेगा, मार्टिन कापलान। इसे ये बताइए सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल सबसे पहले किस डिसिप्लिन में हुआ? इन विच डिसिप्लिन द सिस्टम अप्रोच वॉज फर्स्ट यूज बाय हुम? वेरी गुड। द कॉन्सेप्ट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन बायोलॉजी बाय लुडविग वॉन बटलफी। इज इट? वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कौन कौन से वो थिंकर हैं जो आपके इस पार्टिकुलर सिस्टम अप्रोच से एसोसिएटेड है। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है सर डेविड स्टर्न। ठीक है, बाद में इस
कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आपके कार्ल ड्यूस भी करते हैं, यू ऑल नो कार्ल ड्यूस, उन्होंने भी सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया है। इसके बाद देखने को मिलता है कॉलमैन, एप्टर, मार्टिन कप्लान, ठीक है, ये दिस ऑल थिंकर्स यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि अभी वर्तमान समय में वो कौन से पहले विचारक थे जिन्होंने सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल पॉलिटिकल साइंस में किया, हु वाज द फर्स्ट हु यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस, देन द आंसर वुड बी बिल्कुल स्टन, डेविड स्टन, इज इट, डेविड स्टन करते हैं। लेकिन एक थिंकर है हर्बर्ट जे स्पायरो, आप लोगों का नाम सुना होगा, हर्बर्ट जे स्पायरो, स्पायरो करके नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका ये मानना है कि जो सिस्टम अप्रोच है इसका इस्तेमाल मोर देन 3 सेंचुरी अगो, मतलब 300 सालों पहले से भी इसका प्रयोग होते आया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो 1651 ईस्वी में जो पब्लिश होता है बुक, कौन सा बुक पब्लिश होता है, कौन बताएंगे, विच बुक वॉज पब्लिश इन 1651, विच बुक वॉज पब्लिश इन 1651, वेरी गुड भाग्यश्री, लेवियाथन, ऐसे। तो ये कहा जाता है कि लेवियाथन जो किताब, इसके लेवियाथन जो आपका किताब है, इस बुक में भी सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया गया, याद रहेगा 22nd चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, अब मेरी आवाज जा रही है, ओके। ये कहा जाता है कि लेवियाथन का जो 22nd चैप्टर है, उस चैप्टर में लेवियाथन बुक में सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था, याद रहेगा, द सिस्टम अप्रोच वॉज यूज्ड इन 22nd चैप्टर ऑफ लेवियाथन बुक रिटन बाय हॉब्स इन 1651, पब्लिश्ड इन 1651, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following model is not associated with David Stern? इनमें से कौन सा मॉडल है जो डेविड स्टर्न से एसोसिएटेड नहीं है? Which among the following model is not associated with David Stern? Okay, fine. See, everyone is going for option number C. Good. Any more comment? चलिए, तो वेरी गुड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये काफी आसान क्वेश्चन हो गया क्योंकि कम्युनिकेशन मॉडल है, इसका इस्तेमाल किसने किया था, द मैन वाज कार्ल ड्यूस, इज इट, कार्ल ड्यूस ने कम्युनिकेशन मॉडल का इस्तेमाल किया था। क्या आप लोग बता सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल किसने किया था, हु यूज्ड कम्युनिकेशन मॉडल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कौन बताएंगे, देखता हूं याद है, भूल गए, मुने, रैले, बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड, वेरी गुड, द मैन वाज चेस्टर बर्नार्ड, चेस्टर इरविंग बर्नार्ड, याद रहेगा, चेस्टर सी आई बर्नार्ड, ठीक है। बाकी जो फ्लो मॉडल है, ब्लैक बॉक्स मॉडल है, और इनपुट आउटपुट मॉडल है, और साथ में फीडबैक लूप है, फीडबैक लूप की कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये सारी चीज जो है आपको इस डेविड स्टर्न की जो मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल, उसमें देखने को मिलेगा। फ्लो मॉडल वही है कि जो इनपुट आ रहा है, उसके बाद आपका ब्लैक बॉक्स आ रहा है, उसके बाद फिर आपका आउटपुट हो रहा है, और फिर यहां से जो कमियां है वो फिर से वापस से आके क्या हो रही है, अगेन डिमांड में क्रिएट हो रहा है, ऐसे। तो ये क्या एक फ्लो है, एक बहाव है, समझ पा रहे हैं आप, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो मॉडल, क्लियर, सिंपल है, वही चीजें हैं, अलग टर्म लिख दिया गया है, ओके फाइन। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पे आप एक चीज और ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल, एक और टर्म है व्हाइट बॉक्स मॉडल, डू यू नो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स के बीच में क्या है डिफरेंस। ये ब्लैक बॉक्स जो टर्म दिया गया है, ये मिडिल वाले प्लेस को दिया गया है, जहां पे जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, वो बिहाइंड द सीन होता है, इज इट,
अगर ये इंटरनल प्रोसेस ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो इसे हम लोग व्हाइट बॉक्स बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स? ठीक है, ओके। सिस्टम अप्रोच को सोशियोलॉजी में सबसे पहले इस्तेमाल टैलकॉट पार्सन ने किया था, इज इट? हु गिव इट? कौन सा गिव इट? किस मॉडल को? व्हाइट बॉक्स मॉडल। व्हाइट बॉक्स मॉडल की चर्चा जो है वो स्पेसिफिक कोई नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स मॉडल के अपोजिट में आता है व्हाइट बॉक्स मॉडल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे कि किसने कहा, इज इट? इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए अब ये बताइए कि सिस्टम अप्रोच के बारे में किसने कहा, इट इज ए सेट ऑफ इंटरैक्शन। व्हाट इज सिस्टम अप्रोच? तो इट इज ए सेट ऑफ इंटरैक्शन, ये किसने कहा, जिसके माध्यम से क्या होता है, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज होता है। बाय मीन्स वी एलोकेट द वैल्यूज ऑथोरिटेटिवली। चलिए, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को याद होगा, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डेविड स्टर्न इटसेल्फ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, हु रोट द बुक द अमेरिकन पॉलिटी? अमेरिकन पॉलिटी, एनीवन? द अमेरिकन पॉलिटी, दिस पार्टिकुलर बुक वॉज रिटन बाय रॉबर्ट मिसेल, वही जिन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रहेगा, द मैन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड फर्स्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की बात सबसे पहले आपको किस डिसिप्लिन में देखने को मिलता है? डी बी डी बी और डी में काफी डिफरेंस है। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ आंसर अबाउट बी अलॉन्ग विद डी। ओके फाइन, और बताइए। चलिए, तो फाइनली इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी जो है यहां पर सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के इस्तेमाल सबसे पहले जो किया गया वो आपके बायोलॉजी में किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, वन मोर थिंग, कि अब डेविड स्टर्न के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले। आप लोगों को याद है? उल्टा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है इसका इस्तेमाल सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में ही होता है। ठीक है, चलिए इस बात, हाँ वो बायोलॉजी में थे लुडविग बॉन मंटलफी, बायोलॉजी में थे आपके लुडविग बॉन मंटलफी, जिन्होंने सिस्टम अप्रोच का इस्तेमाल किया था। ऐसे चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम सिस्टम जो डेविड स्टर्न है उनकी बुक्स की बात करते हैं, आप लोग उसके ईयर पब्लिशन ईयर बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये किताब कब पब्लिश होता है? द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यह उनका रिसर्च का टॉपिक भी था। वेरी गुड, दिस बुक वॉज पब्लिश इन द ईयर 1953, माफ कीजिएगा 1953, और इसी बुक में उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। इज इट? पॉलिटिकल सिस्टम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर द बुक ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस वॉज पब्लिश? ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस,
ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1956। अच्छा, 3 साल बाद मात्र। नो, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, फिर से चेक कर लीजिए एक बार, 1956 एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग कि ये जो बुक है ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस, इस किताब में डेविड स्टर्न ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ को, प्लीज लिसन केयरफुली, इन्होंने राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ को सिस्टम ऑफ बिहेवियर कहा था, सिस्टम ऑफ बिहेवियर याद रहेगा। इन विच पार्टिकुलर बुक डेविड स्टर्न एक्सप्लेन पॉलिटिकल लाइफ एज, आवाज नहीं जा रही है, Am I audible now? ओके, मेरी आवाज आ रही है अभी? एम आई ऑडिबल नाउ? एवरीथिंग इज फाइन नाउ? चलिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, व्हाट आर यू एक्सप्लेनिंग, कि ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस जो किताब है, इस किताब में उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ को सिस्टम ऑफ बिहेवियर कहा था। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? In this particular book, he explained political life as system of behavior. मतलब कि व्यवहार की व्यवस्था कहा था। इसके बाद next जो इनकी किताब है वो है a system analysis of political life. ये कब आया था? A system analysis of political life. This book was published in the year, very good, 1965. Is it? 1965 ईस्वी में ये पार्टिकुलर किताब आता है, 1965 ईस्वी में इनकी ये बुक आती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनकी जो चौथी किताब है वो है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और दिस पार्टिकुलर बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1990। क्लियर?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए व्हाट विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लास्ट बुक नेम वॉज द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्लियर। चलिए तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेशर ग्रुप वॉज नॉट मेंशन बाई अलमर्ट। वी ऑल नो कि इन्होंने चार प्रकार के प्रेशर ग्रुप की बात की थी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल और एनोमिक, इज इट। तो इसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात उन्होंने नहीं की थी, इसके जगह पर उन्होंने नॉन एसोसिएशनल की बात की थी, इज इट, नॉन एसोसिएशनल की उन्होंने बात की थी, बिल्कुल ईयान, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, एनोमिक और नॉन एसोसिएशनल, ठीक है, क्लियर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, हु रोट द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। हाँ, एक बार सिक्वेंस जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, नॉन एसोसिएशनल लास्ट में, ईयान, IAAN, ईयान, इंस्टीट्यूशनल, एसोसिएशनल, एनोमिक और नॉन एसोसिएशनल, ठीक है, वेरी गुड। सो आई वॉज आस्किंग हु रोट द बुक द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल, सॉरी माफ कीजिएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। चलिए वेरी गुड आलमंड, ये क्वेश्चन है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, अभी हमने उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल सबसे पहले वी ऑल नो कि सर एंथ्रोपोलॉजी में होता है, तो उसका इस्तेमाल किसने किया था, जैसे उसमें लुडविग वॉन वर्नक्लफी ने किया था, तो इसमें किसने किया था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, मानव विज्ञान। अच्छा बताइए आलमंड, पार्सन, क्या ये एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं, आर दे बिलोंग फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, तो फिर कौन, चलिए याद रखिएगा, रेडक्लिफ, ब्राउन और मिलनोवस्की, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेडक्लिफ, ब्राउन, पहला रेडक्लिफ, ब्राउन एंड मिलनोवस्की, ठीक है, मिलनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, इन दोनों ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी के बाद इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सोशियोलॉजी में होता है। अब तो आप बता ही देंगे सर, सोशियोलॉजी में इसका इस्तेमाल किसने किया होगा, सोशियोलॉजी में इसका इस्तेमाल दुर्खाइम, टैल्कॉट पार्सन, रॉबर्ट के मेटन, ठीक है, इन थिंकर्स ने इसका इस्तेमाल किया था। आई एम रिपीटिंग अगेन, टैल्कॉट पार्सन, इमाइल दुर्खाइम, रॉबर्ट के मेटन, दिस आर इंपॉर्टेंट थिंकर हु यूज दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। एंड अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, यू ऑल नो, आलमंड एंड कॉलमन ने किया, ठीक है, गैब्रियल आलमंड एंड कॉलमन, याद रहेगा, आलमंड एंड कॉलमन, इन दोनों ने मिलकर इसका इस्तेमाल किया। अब ये भी कहा जाता है कि जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच था वो वन स्टेप अहेड था किससे, इनपुट आउटपुट मॉडल से, इसे दोनों के दोनों साइंटिफिक मूवमेंट से चीजों को स्ट्रक्चर देना, स्ट्रक्चरलाइज करना, दोनों इससे इन्फ्लुएंस था, बट अगेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वर मोर डेवलप्ड देन दिस पार्टिकुलर थिंग। आलमंड पॉवेल ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी दी, हाँ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल वो गैब्रियल आलमंड ने दिया था पॉवेल के साथ, लेकिन
ये जो पार्टी ऑफ कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो आलमंड और कॉलमंड, सबसे पहले क्या दिन आलमंड एंड कॉलमंड, ठीक है। चलिए एक और नाम आपको इसमें देखने देखने को मिलेगा जिसे आप लोगों ने सुना होगा, बुक का नाम द, एक और नाम सुनने को मिलेगा लुसियन पाई, सुना है लुसियन पाई। अगर लुसियन पाई के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया, व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट सिंड्रोम का इन्होंने आइडिया दिया। इनके अनुसार अगर देखा जाए, मतलब अगर लुसियन पाई को देखा जाए, तो लुसियन पाई ने क्या कहा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कब होगा, जब हमारे पास तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें, तो पहला है आपका जैसे हमने इसके याद आपको याद करवाया था सी डी ई, एक मतलब पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, तो पहले सी यानी कि हालांकि पहले वो बताते हैं इक्वालिटी की बात, ठीक है, इक्वालिटी, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा जो है वो डिफरेंशिएशन, ऐसे ये याद रखिएगा, आप लोगों को याद रख सकते हैं सी डी ई, एक क्रोनोलॉजी है तीनों में, तो सी डी ई करके आप लोग याद रख सकते हैं। बट एक्चुअली में पहला इक्वालिटी मतलब जो भी देश हो उस देश में जितने सारे लोग हो उन सभी में इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, और दूसरी चीज जो है कैपेसिटी मतलब वहां के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस कैपेबल हो कि लोगों की जो डिमांड है वो उनके पास ये कैपेसिटी हो कि लोगों की जो डिमांड है वो उसे फुलफिल कर पाए, और तीसरा जो है डिफरेंशिएशन मतलब वहां पे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों की नियुक्तियां की जाए ताकि काम को करने में आसानी हो, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो लुसियन पाई की अगर बुक्स की बात करें तो हु रोट द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, aspects of political development, very good, this particular concept is given by, the book was written by Lucien Pai, who gave the concept of development syndrome का मतलब क्या होता है, पहचान, ये भी आपके दिया गया था Lucien Pai के द्वारा, okay, who wrote the book political culture and political development, political culture and political development, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये जो है ये भी आपका पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक और बुक है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, याद रहेगा। चलिए अगर हम बात करें तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है इसका इस्तेमाल लुसियन पाई ने किस देश के संदर्भ में किया था, तो लुसियन पाई ने म्यांमार को स्टडी करने में किया, याद रहेगा म्यांमार, लुसियन पाई ने जो म्यांमार में अपनी स्टडी कनेक्ट की खास करके साउथ एशिया, साउथ एशियन के परस्पेक्टिव में करते हैं, तो इसमें म्यांमार में किया। इसके बाद मायरॉन विनर, सुना होगा आप लोगों ने मायरॉन विनर, मायरन विनर ने इसका इस्तेमाल इंडिया के स्टडी में किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल, ठीक है। अगर हम अबाउट कॉलमैन, कॉलमैन ने इसका इस्तेमाल सहारा रीजन के स्टडी करने में किया, स्टडी करने में किया। अब आपको एक बेसिक डिफरेंस मिलेगा कि था ये डेवलप्ड कंट्रीज को स्टडी किया था, ये खास तौर पे जितने विकसित देश थे उसकी स्टडीज की गई थी इसके अंतर्गत, लेकिन फंक्शनल अप्रोच था, इसमें फोकस किया गया था स्टडी की जाए, याद रहेगा। वॉइस, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या, फिर से दिक्कत है क्या, बीच बीच में रुक जा रहा है,
तो क्या किया जाए। बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा थोड़ा जा रहा है। व्हाट टू डू। चलिए देखते हैं जितना कंटिन्यू हो पाता है कंटिन्यू करेंगे, नहीं हो पाता तो कल कर लेंगे क्लास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर नहीं होगा, दिक्कत होगी तो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, लाइक क्वेश्चन के साथ डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। Which statement is incorrect? Which statement is incorrect? कौन सा statement incorrect है? Which statement is not correct? चलिए तो क्या गलती है स्टेटमेंट सी में बताइए। सेल्स प्रेजेंटेड सिक्स मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग डेवलप्ड कंट्रीज में गलती क्या है? What is wrong in this question? सिक्स मॉडल नहीं तो कितने मॉडल? चार, पांच, दो, एक, कितने? फाइव ओके। डेमोक्रेसी का दो, ओलिगार्की का तीन, ओके फाइन गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी गुड इरवान। यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो एडवर्ड सिल्स प्रेजेंटेड सिक्स मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इस चीज को ध्यान रखिए, एडवर्ड सिल्स ने छह मॉडल प्रेजेंट किए थे, लेकिन गैब्रियल आलमंड उनमें से पांच मॉडल एक्सेप्ट करते हैं, याद रहेगा। डेवलपिंग जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें छह मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन उनमें से पांच मॉडल को गैब्रियल आलमंड और कॉलमैन ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। इनमें से एक जिन्होंने उन्होंने जो एक्सेप्ट किया, उनमें से एक था आपका ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी, ठीक है। अब स्टेटमेंट सी जो है कि एडवर्ड सेल्स प्रेजेंटेड सिक्स मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटिंग डेवलप्ड कंट्रीज, इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मॉडल प्रेजेंट किए थे, कोलमैन आलमंड के साथ, कोलमैन एक्सेप्ट किया, गैब्रियल आलमंड एंड कोलमैन, ठीक है। अब ये कौन कौन से डेमोक्रेसी है, इनमें से आपको ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी में इन्होंने दो प्रकार का बताया, जैसे कि भाग्यश्री लिख रहे थे, पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा है ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी, इज इट। पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जैसे जापान, इजराइल, इंडिया, पॉलिटिकल में हो जाएगा आपका जापान, इंडिया, इजराइल, ठीक है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा है ट्यूटिलरी, ट्यूटिलरी मतलब क्या होता है, नाम मात्र का, मुखौटा पहनाया हुआ, ठीक है। अभिभावक लोकतंत्र भी इसे हिंदी में कहा जाता है, जिसमें आपका एग्जांपल हो सकता है घाना, नाइजीरिया, ऐसे GHANA, घाना, नाइजीरिया, ठीक है, ये दोनों जो है ट्यूटिलरी डेमोक्रेसी के अंतर्गत उन्होंने रखा। अब इसके बाद उन्होंने ओलिगार्की को बताया और इसको उन्होंने तीन पोर्शन में डिवाइड किया। पहला है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की,
दूसरा उन्होंने बताया है टोटलिटेरियन ओलिगार्की, और तीसरा उन्होंने बताया ट्रेडिशनल ओलिगार्की। क्लियर? पहला मॉडर्नाइजेशन ओलिगार्की, दूसरा उन्होंने बताया टोटलिटेरियन ओलिगार्की, और तीसरा जो था वो है आपका ट्रेडिशनल ओलिगार्की। यहां तक सभी लोग, सभी को क्लियर है? ठीक है, ये जो मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की है इसका मतलब उन्होंने मिलिट्री रूल से लिया है। मिलिट्री रूल, मिलिट्री रूल मतलब सेना, जैसे कि कहां कहां है आपको आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में, और कहां है म्यांमार में, और कहां है अभी रिसेंटली कहां हुआ है बांग्लादेश में आपको देखने को मिल सकता है अभी अभी की अभी, ठीक है, तुर्की, टर्की, सूडान, ये सारे कंट्रीज जो है मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की के अंतर्गत आते हैं। वहीं इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट दिया एग्जांपल, वो है टोटलिटेरियन ओलिगार्की। क्या आप इसका एग्जांपल बता सकते हैं? कैन यू कमेंट द नेम ऑफ टोटलिटेरियन कंट्रीज एट प्रेजेंट टाइम? कौन सा कंट्री अभी टोटलिटेरियन कौन है? वेरी गुड, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, किम जोंग। और अगर इतिहास में देखा जाए तो नाजीज्म, फासिज्म, ऐसे दीज आर एग्जांपल। वहीं अगर ट्रेडिशनल ओलिगार्की की बात की जाए तो इसमें उन्होंने, जैसे कि ट्रेडिशनल में ओलिगार्की कौन होते थे? मोनार्क्स, ऐसे जो वंश के आधार पर शासन व्यवस्था आगे बढ़ता था, जैसे कि नेपाल, भूटान, सऊदी अरब, ऐसे हाँ राजघराने वाले वो सारे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें, यानी ट्रेडिशनल ओलिगार्की में कौन कौन से हैं? मोनार्क, जैसे कि नेपाल, भूटान और आप बोल सकते हैं सऊदी अरब। देखिए यूके इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यूके में कंप्लीट आपका मोनार्क नहीं है, मोनार्क सिर्फ नाम मात्र का है आप कह सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में ज्यादा है, ठीक है। यूके में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, वहां पे डेमोक्रेसी है, इन यूके वी कैन फाइंड डेमोक्रेसी, इज इट, यस, डेमोक्रेसी ही आज के टाइम में आप उनको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर दीवान? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू होम पॉलिटिकल कल्चर इज ए सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड एटीट्यूड, इस शब्द को किसने लिया? पॉलिटिकल मतलब ये जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज है, इसका हिंदी कहे तो गुण, इसका हिंदी है गुण या अभिवृत्ति, क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड, ये जो दिया गया स्टेटमेंट ये गैब्रियल आलमंड और बर्बा का है। ओके ओके, माफ कीजिएगा, बर्बा नहीं है यहां पे, पॉवेल है, ठीक है, दिस इज पॉवेल, आलमंड एंड पॉवेल, ये दोनों मिलकर इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट मतलब सेट ऑफ प्रोपेंसिटीज एंड एटीट्यूड मतलब कि गुण और अभिव्यक्तियों का समूह को इन्होंने राजनीतिक कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर जैसे शब्द को दिया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में कौन से विचारक ने पॉलिटिकल कल्चर को इंक्लूड करते हुए स्टडीज किया है, स्टडी को कंडक्ट किया है, तो उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है आपका, वो है रजनी कोठारी, जिनकी बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स इन इंडिया। ओके फाइन, अब अगर बात करें तो
कौन कौन से थिंकर है, हाँ स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी इन्होंने यूज किया था बिल्कुल, और सेम किताब था पॉलिटिक्स इन इंडिया ये था, ठीक है। अगर ये बात करें वो कौन कौन से थिंकर है जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच से एसोसिएटेड है, तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं, गैब्रियल आलमंड आपको पता है, इसके साथ साथ बर्बा पता है, ठीक है, सिडनी बर्बा, इसके बाद लुसियन पाई, लुसियन पाई आपको याद होना चाहिए, इसके बाद कोठारी, रजनी कोठारी और एमपी राणा, एक और थिंकर है एमपी राणा, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ओके, तो ये बताइए कि डेविड, ये जो डेविड स्टर्न जो है क्या वो कल्चर की बात करते हैं? डेविड स्टर्न ने कभी भी कल्चर को लेकर साथ आगे बढ़ा, यस और नो? यस और नो? नो। अच्छा थोड़ा सा सोचिएगा, क्या गैब्रियल आलमंड ने जिसे शब्द दिया कल्चर, क्या डेविड स्टर्न ने उसे एनवायरमेंट कहा था? क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है? एनवायरमेंट का पर्याय क्या कल्चर ले सकते हैं? कैन वी टेक इट एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट जैसा होगा वैसे डिमांड आएंगे, वैसे सपोर्ट होगा, उन्हीं के अनुसार आपका आउटपुट निकलेगा, आउटपुट बनेगा। इसे तो ध्यान रखिएगा, गैब्रियल आलमंड ने जिस कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल डेविड स्टर्न तो नहीं किया, बट अगेन ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द एसे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन? हाँ हाँ, वो जो थ्री टाइप ऑफ कल्चर बोले थे ना ईस्टर्न, हाँ उसकी बात करते हैं अभी हम लोग, उसको हमने लीव किया है, छोड़ा है, उसके बाद अभी हम लोग करते हैं। इसका आंसर आप सभी को पता है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एक ऐसे लिखा गया जिसका नाम है हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा, ये दिस इज सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगर ये पूछा जाए एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन किसकी बुक थी, तो यू ऑल नो सर ये बुक फ्रांसिस फुकुआमा का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय फ्रांसिस फुकुआमा, ठीक है। अगर पूछा जाए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे किसकी बुक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, तो ये गैब्रियल आलमंड की बुक है। ऐसे अगर पूछा जाए हु रोट द बुक नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये किसकी बुक है, यू ऑल नो। हु रोट द बुक पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, अक्सर इस दुनिया में ये क्वेश्चन में गलती होता है, बार बार होता है, ना चाहते हुए भी होता है, तो आप लोग भी गलती कीजिए, मोस्ट वेलकम। पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, और एक और बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, अक्सर इस दुनिया में गलती जरूर होता है। पक्का श्रद्धा, चेंजिंग वाले में हंटिंगटन श्योर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं। चलिए एक और किताब लिख रहा हूं, अभी थोड़ा और कंफ्यूजन होना है, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, लीजिए सर एक और पॉलिटिकल ऑर्डर आ गया। चलिए अब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रखना, देखिए ध्यान से, ये जो पहला बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, जब दो बार पॉलिटिकल आ रहा है, जब दो बार पॉलिटिकल आ रहा है, तो क्या हम लोग दो बार एफएफ लिख सकते हैं?
जब दो बार पी पी आ रहा है तो हम लोग दो बार एफ एफ लिख देते हैं, लिख देंगे तो दिक्कत है तो बताइए। तो पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके जो किताब है ये है फ्रांसिस फुकुआमा। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, दिस इज बुक बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। कोई दिक्कत? और ये जो लास्ट का बुक है ये आपका फ्रांसिस फुकुआमा का है। अब कंफ्यूजन रहेगा, इज देयर एनी अदर कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? कभी भी भूलेंगे पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके किसकी है? पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके, फिर से कंफ्यूज, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके दो बार आ रहा है पीपी, जब दो बार पीपी आए तो दो बार एफ एफ दबा दीजिए, पीपीएफ मतलब पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डीके मतलब फ्रांसिस फुकुआमा, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज इसका है हंटिंगटन, और द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर दिस इज बुक बाय फ्रांसिस फुकुआमा। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर हो गए सभी को? लास्ट अगेन, लास्ट पेज लीजिए, हमने तो इसे छुपाया था थोड़ी देर के लिए। पी पी दो बार आ रहा है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल दो बार आ रहा है, मतलब दो बार एफ एफ, फ्रांसिस फुकुआमा, पॉलिटिकल ऑर्डर इन पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, बदल कौन रहे हैं? थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी बदल रहा है, द थर्ड वेव बदल रहा है, मतलब सैमुअल पी हंटिंगटन, और द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर फ्रांसिस फुकुआमा। ठीक है, बिल्कुल, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ये लुसिन पाई के। वेरी गुड, सो क्लियर सभी को हो गया? चलिए फादर ऑफ, हाँ वेरी गुड साधना, फादर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म कौन माने जाते हैं? अब आगे बढ़ा जाए सर? हाँ सर बिल्कुल बढ़ा जाए, बहुत टाइम हो गया। गॉटफ्रिड हर्डर, लेकिन क्वेश्चन ये है हु क्वाइंड द टर्म पॉलिटिकल कल्चर, द टर्म पॉलिटिकल कल्चर वाज क्वाइंड बाय हुम, इन विच ईयर, हु क्वाइंड पॉलिटिकल कल्चर? आलमंड 1956, याद रहेगा? पॉलिटिकल कल्चर टर्म वॉज क्वाइंड इन विच ईयर? 1956 बाय हुम? बाय गैब्रियल आलमंड। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? आवाज तो क्लियर होगी सबको, माय ऑडिबल? ओके, क्या होगा इसका आंसर? ओके, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, दिस बुक वाज पब्लिश इन 1996। क्लियर? द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
गैब्रियल आलमंड जो है इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के बारे में यह कहा कि ये तीन टाइप का होता है, ठीक है, आप लोगों को याद होगा, पैरोचियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर एंड पार्टिसिपेटरी कल्चर, पैरोचियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी। इसके लिए उन्होंने ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने पांच देशों की स्टडी की थी, ही यूज्ड टू स्टडी फाइव कंट्रीज, मैं लिख रहा हूं नाम, आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है, इट युगांडा, यूके, यूएसए और इटली, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम, युगांडा नहीं है, चलिए ये भी अच्छी बात है, ओके। अब ये है कि गैब्रियल आलमंड ने तीन अलग अलग टाइप ऑफ ओरिएंटेशन की बात की थी रिगार्डिंग पॉलिटिकल कल्चर। तो कौन कौन से थ्री टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन थे, इवेल्युएटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, वेरी गुड, कॉग्निटिव, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, ए अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द बुक सिविक कल्चर वॉज पब्लिश इन विच ईयर, सिविक कल्चर वॉज पब्लिश इन विच ईयर, वेरी गुड, 1963, ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड वो कौन सा कंट्री था जो सिविक कल्चर के सबसे नजदीक था, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल तो दिया ना भैया, देखो ये सिविक कल्चर है हमारे नजर में, तो कौन सा कंट्री, वेरी गुड, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका के बारे में भी उन्होंने कहा, हिंट किया है कि अमेरिका भी हो सकता है, ठीक है, अमेरिका में भी और साथ में आपके यूएसए में भी ये पाया जाता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, चलिए चलिए इसका आंसर बता दीजिए, इनमें से कौन सा किताब पुटनम की नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक बाय रॉबर्ट पुटनम, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक बाय रॉबर्ट पुटनम, चलिए बताइए, सोचिए, चलिए बी सी डी, आई एम गेटिंग वेरी मिक्स आंसर, ओके, और कोई एनीमोर, चलिए तो इनमें से याद रखिएगा, रॉबर्ट पुटनम जो है उन्होंने ये जो ऑप्शन नंबर डी है, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी, ये किताब नहीं लिखा है, बाकी ऊपर के ए बी सी ये तीनों किताब उनकी है, ठीक है, ऑल अबव थ्री आर बुक ऑफ रॉबर्ट पुटनम, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज बुक बाय माइकल मैन, याद रहेगा, माइकल मैन की ये किताब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, वो कौन सा पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है जिसे नोबेल कल्चर कहा जाता है, पैरोचियल, पार्टिसिपेटरी, सब्जेक्ट, कोई दोनों, तीनों, कौन, पार्टिसिपेटरी कल्चर, ओके,
चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, जो सिविक कल्चर है, पहली बात तो सिविक कल्चर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द थ्री कल्चर, ये तो आप लोगों को पता होगा, पैरोशियल प्लस सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपेटरी ऑल द थ्री कल्चर व्हेन सम, दिस इज नोन एज सिविक कल्चर, नागरिक संस्कृति। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो नोबल कल्चर की बात है ये तीनों का सम है, ठीक है, ये तीनों का सम जो है वो नोबल कल्चर। चलिए आपने नाम पढ़ा होगा कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी, कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी, इस कॉन्सेप्ट को दिया है अर्नेस्ट लिस्टफॉर्ड, किस किताब में, द पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको पता है क्या, गैब्रियल आलमंड ने यह कहा, भैया देखो यूके में और यूएसए में पाया जाता है क्या, तो सिविक कल्चर। लिस्टफॉर्ड ने कहा नहीं, वहां नहीं, एक स्पेशल कंट्री में। क्या आप स्पेशल कंट्री का नाम बताएंगे, किस देश के बारे में लिस्टफॉर्ड ने कहा कि सिविक कल्चर यहां पाया जाता है, इटली, नो, याद रखिएगा नीदरलैंड, शायद एग्जाम में पूछ ले उल्टा पुल्टा घुमा के, तो नीदरलैंड के बारे में यह कहते हैं कि आलमंड एंड बर्बा जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा, जहां पे एक्चुअली में है आपका सिविक कल्चर वो है आपके नीदरलैंड। ओके, द मैन ऑन हॉर्सबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक बाय होम, द मैन ऑन हॉर्सबैक, दिस इज बुक बाय फाइनर। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन पूछने के पीछे कोई रीजन था, अब वो रीजन क्या है कि फाइनर ने टोटल कितने प्रकार की पॉलिटिकल कल्चर के बारे में डिस्कशन किया है, he discuss about how many types of political culture, char, kaun kaun se, what are those four culture, aap logo ne padha hai kafi acche se padha hai, good, mature political culture, very good, main likhta hu yahan pe mature political culture, good, dusra developed political culture, डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, नेक्स्ट लो पॉलिटिकल कल्चर, नेक्स्ट मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैच्योर डेवलप्ड लो और मिनिमल, लोवेस्ट बोल सकते हैं, लो या लोवेस्ट या मिनिमल, ठीक है, ये चीजें। तो यहां पे ध्यान रखिएगा मैच्योर कहने का मतलब क्या है, जहां ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जहां पे ओपन सिस्टम है, जहां पे लिबरल सोसाइटीज हैं, जो डेवलप्ड है उनको वो मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर का, ठीक है, वही जो डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर है इसका मतलब कौन कौन से कंट्री है, जहां पर जैसे इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, जहां पे सैन्य शासन है, क्यूबा हो गया, क्यूबा, इस कंट्री के बारे में कहते हैं दीज आर डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर, वाइल ईरान, इराक, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक है, इराक, ईरान, म्यांमार, इराक, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान, इन कंट्री के बारे में कहते हैं लोवेस्ट पॉलिटिकल कल्चर, लो पॉलिटिकल कल्चर, और जो एकदम न्यूनतम स्तर पे है, मिनिमल, एकदम लोवेस्ट है, उसे कहते हैं कि प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ये कहा है कि ये सबसे लोवेस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर था, क्लियर, याद रहेगा, ओके, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेसिव टॉलरेंस, एनीवन,
रिप्रेसिव टॉलरेंस, इसको हिंदी में कहा जाए दमनकारी सहिष्णु। लोग जो अपनी बातों से आपको दबाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारधाराओं से, अपने भाषणों से आपको जो दबाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मतलब उसे, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर्बर्ट मार्क्यूज की है, याद रहेगा, याद रखिएगा हर्बर्ट मार्क्यूज ने बात किया है रिप्रेसिव टॉलरेंस की बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who gave the concept of social capital? Who gave the concept of social capital? Social capital का concept किसने दिया है? ठीक है? Very good. Robert Putnam. अब इस concept को शायद आपको पता होगा, लेकिन Robert Putnam ये कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, please listen carefully. ये कहते हैं कि वर्तमान जो आधुनिक समय है उसमें जो सामाजिक पूंजी हो सकती थी, सामाजिक पूंजी मतलब क्या, एक ज्वाइंट फैमिली होता हो सकता था, अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया। पहली चीज, लोग अकेले अकेले रहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, लोग समाज के बारे में ना सोचकर लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जो समाज कलेक्टिविस्टिक हो सकता था, सोशलिस्ट हो सकता था, आज समाज इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है, व्यक्तिवाद हो गया है, समझ पा रहे हैं आप लोग। और लोग जितने मैटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं, वो अपनी सोशल कैपिटल मतलब जो सामाजिक पूंजी है उसे खोते चले जा रहे हैं। डू यू एग्री, ऐसा हो रहा है क्या, एनीवन, ऐसा होता है क्या? वेरी गुड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट पुटनम ने किताब लिखा बॉलिंग अलोन अमेरिकन डिक्लाइनिंग सोशल कैपिटल। दिस बुक वॉज पब्लिश इन द ईयर 1995। मैं बुक का नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बॉलिंग अलोन अमेरिकाज डिक्लाइनिंग सोशल कैपिटल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। जो सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ये 1970s में डेवलप किया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल वाज डेवलप्ड इन 1970s, 1970 के दशक, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कस अबाउट द आइडिया ऑफ स्लीपिंग डॉग थ्योरी। स्लीपिंग डॉग थ्योरी की बात किसने की? Discuss about the idea of sleeping dog theory. Very good, Gabriel Almond. ठीक है, Almond और बर्बा. Very good, श्रद्धा. Clapping, साधना. So this idea was given by Almond along with बर्बा. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो यूएसए में ऐसा लगता है कि लोगों को पॉलिटिक्स से मतलब कब होता है? सिर्फ इलेक्शन के टाइम में होता है। आप लोगों को ऐसा लगता है वहां पॉलिटिक्स के बारे में सुनते हैं? बहुत ज्यादा डिस्कशन, डिबेट बहुत ज्यादा नहीं सुना जाता वहां, ठीक है, ये वहां की एक नेचर है। अब ये गैब्रियल आलमंड एंड बर्बा क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जब तक अमेरिका में बहुत बड़ा घोटाला, प्लीज लिसन केयरफुली, जब तक अमेरिका में बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा वॉर या इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होता है, तब तक वहां के लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होता ही नहीं, लोगों को मतलब नहीं होता, सब इतने इंडिविजुअलिस्टिक हैं, सब इतने अपने अपने काम काज में इतने बिजी होते हैं कि उनको मतलब भी नहीं होता सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बस उनको अपने चीजों से मतलब। समझ पाए आप कॉन्सेप्ट को? मतलब क्या है? लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिर्फ इलेक्शन तक सीमित हो जाती है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इवन इन एनी वर्क, ठीक है, और लोग ऐसे लगते हैं जैसे भैया
सब कुछ ठीक है, मतलब 4 सालों तक, वहां 4 सालों में एक बार चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, तो उस बीच के टाइम में आपको एक कुछ भी सुनाई नहीं देगा, लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे होंगे या पूरा हड़ताल या भूख हड़ताल जैसे भारत में चलता है वैसे वहां चल रहा होगा। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो इस चीज को कहा गया स्लीपिंग डॉग थ्योरी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? व्हाट इज स्लीपिंग डॉग थ्योरी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who gave the concept of symbolic capital? Symbolic capital का concept किसने दिया? Options आ गया। Who gave the concept of symbolic capital? What will be the correct answer? चलिए, आप लोगों को सच में याद था? सबको पता था? ईमानदारी से बताइए। नहीं, तुक्का लगाए थे मतलब? सर एक नया नाम दिख गया तो आंसर वही होगा। इन तीन में नहीं, मेरी गलती है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा मतलब ऑप्शन चेंज करना चाहिए, मुझे थोड़ा हार्ड ऑप्शन देना चाहिए, मतलब नया नाम हो 2, 4, 5 तक। चलिए कल से तैयार हो जाइए, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट सिंबॉलिक कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था पहले बॉर्डो के द्वारा, ठीक है? दिस इज करेक्ट। इन्होंने अलग अलग कैपिटल के बारे में बात की, लाइक प्लीज लिसन केयरफुली, ही डिस्कस अबाउट सोशल कैपिटल अलॉन्ग विथ, ही डिस्कस अबाउट कल्चरल कैपिटल अलॉन्ग विथ, ही डिस्कस अबाउट सिंबॉलिक कैपिटल। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। अभी क्या है सिंबॉलिक कैपिटल? यू नो, बताइए क्या है सिंबॉलिक कैपिटल? अब देखिए क्या है कि एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, वो अपना बाल कुछ अलग स्टाइल में कटवाया, अब लोग उनकी कॉपी करते हैं, भैया देखो हम तो धोनी दिख रहे हैं, हम तो शाहरुख खान दिख रहे हैं, रणबीर कपूर दिख रहे हैं। होता है लोग दूसरे के सिंबल को कॉपी करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है, इस कॉन्सेप्ट से ये बताया गया पहले बॉर्डो के द्वारा कि जो बड़े बड़े समाज होते हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है, उसमें होता एक्चुअली ये है कि जो इलीट वर्ग है लोग उनकी कॉपी करना चाहते हैं, और वही एक कैपिटल हो जाता है उस देश के लिए। भारत में है ऐसा या नहीं है बताइए? लोग बड़े शान से बोलते हैं ऐसी चीजों में, मतलब यू नो, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? चलिए तो ध्यान रखिएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक साइलेंट रेवोल्यूशन? द साइलेंट रेवोल्यूशन। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, ठीक है, चेंज किया जाए, इसका आंसर मुझे पता है आप लोग इजी हो गया, क्योंकि हालांकि ये करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो इनकी बुक, ठीक है। हु रोट द बुक कल्चर एंड इंपीरियलिज्म? कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, हु रोट दिस पार्टिकुलर बुक? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी, और भी आसान हो गया सर, ओके, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड सी, ठीक है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हु रोट द बुक द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस?
द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। चलिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरी गॉर्डो की बुक है। ठीक है, एक और इनकी बुक है जो आपको याद रखना चाहिए, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, याद रहेगा, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट बुक, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज बुक बाय लाल इंगलियार। ये बताइए इनमें से वो कौन सा शब्द है जो स्टेट के लिए, बेस्ट स्टेट, आइडियल स्टेट के लिए यूज किया गया था बाय एरिस्टोटल। देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। विच पार्टिकुलर टर्म वॉज यूज बाय एरिस्टोटल बताइए। ए, ओके, सभी ए बता रहे हैं, क्या बात है, सोचिए फिर से। चलिए वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोइनोनिया जो है ये आइडियल स्टेट है किसका सर, अरिस्टोटल का। कैलीपोलिस जो है ये आइडियल स्टेट किसका है सर, प्लेटो का। ठीक है, और ये जो स्टैटो है ये किसका आइडियल स्टेट है, स्टैटो इज आइडियल स्टेट ऑफ होम। This is why Machiavelli, very good. Machiavelli की आइडियल स्टेट जो है वो उसका नाम है स्टैटो। और किसका आइडियल स्टेट रिपब्लिक है, रिपब्लिका, रिपब्लिक। वैसे आप लोग को Machiavelli पता होगा, बेस्ट ये बेस्ट आइडियल जो है वो रिपब्लिक Machiavelli की है, बट द टर्म इज रिपब्लिका। रिपब्लिका जो है ये किसका आइडियल स्टेट है, वो आइडियल गवर्नमेंट है वैसे। रिपब्लिका इज आइडियल स्टेट ऑफ होम, वो रिपब्लिक गवर्नमेंट था Machiavelli की, याद रखिए रिपब्लिका। दिस इज बाय जीन बोंदा, बोंदा का नाम सुना है, जीन बोंदा, नहीं सुना है, अच्छा रिपब्लिका है ये, दिस इज रिपब्लिका। ठीक है, याद रखिए दिस इज रिपब्लिका। हाँ, जीन बोदिन आप बोल सकते हैं, जीन बोदिन ही है, सॉरी जीन बोदिन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ किनका आइडियल स्टेट था, कॉमनवेल्थ वाज आइडियल स्टेट ऑफ होम, कॉमनवेल्थ राइस की, लॉक की, अच्छा लॉक ने कॉमनवेल्थ यूज किया था। नहीं, द करेक्ट आंसर वुड बी हॉब्स। हॉब्स का जो आइडियल स्टेट था उसे कॉमनवेल्थ कहा जा रहा था। ठीक है, अब देखिए जो लॉक का था, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका आंसर, लॉक का कोई और टर्म था, एक बार सर्च कीजिएगा आप लोग, यू विल गेट लॉक ने कोई और शब्द का इस्तेमाल किया था। प्लीज गिव मी जस्ट वन मिनट। अच्छा देखिए इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि कॉमनवेल्थ की बात हॉब्स ने भी की है, लॉक ने भी की है। ठीक है,
बट द पॉइंट इज जो आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट इस शब्द को दिया है हॉकी, याद रहेगा, इस शब्द को दिया है स्टेट ने। ठीक है, और लॉक एंड रूसो, लॉक एंड रूसो जो है इन दोनों ने स्टेट की जगह सिविल सोसाइटी शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, सिविल सोसाइटी जिसे वो ट्रस्ट सिविल सोसाइटी के तौर पर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। हीगल क्या यूज करते हैं, हीगल यूज द टर्म नेशन स्टेट, हीगल क्या यूज करते हैं, ही यूज द टर्म नेशन स्टेट। ठीक है, जबकि जो आपके बिहेवियरल थिंकर हैं, जो व्यवहारवादी थिंकर हैं, वो इसे पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, राज्य को क्या कहते हैं, इट इज ए पॉलिटिकल, इट इज पॉलिटिकल सिस्टम, याद रहेगा, दिस इज पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैग्नीशिया किसे कहते हैं, ओके फाइन। देखिए ये जो बुक लिखा गया द लॉज, किसकी बुक है, हु रोट द बुक द लॉज, जो रूल ऑफ लॉ होता है, एक ऐसा राज्य जहां पे रूल ऑफ लॉ चलता है, ना कि फिलोसफर थिंग का चलता है, ये प्लेटो की है, और प्लेटो ने जो लॉज किताब में आइडियल स्टेट की बात की है उसका नाम उन्होंने मैग्नीशिया दिया है, याद रहेगा, जो शब्द है मैग्नीशिया, दिस पर्टिकुलर शब्द टर्म वॉज यूज इन विच बुक द लॉज गिवन बाय प्लेटो, और रिपब्लिक जो किताब है उस किताब में उन्होंने कैलीपोलिस यानी कि ब्यूटीफुल सिटी दिया था, क्लियर, याद रहेगा, विल यू रिमेम्बर एवरीवन, सभी चीज क्लियर हो गया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखिए मैं फिर से एक फ्रेज रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने बात किया कोइनोनिया, ठीक है, ये जो शब्द है इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया सर, एरिस्टोटल ने किया, एस्टेटो किसने किया, माइकियावली ने किया, कैलीपोलिस किसने किया, प्लेटो ने किया, मैग्नीशिया किसने किया, ये भी प्लेटो ने किया, लेकिन ये कैलीपोलिस रिपब्लिक में था और प्लेटो की जो द लॉज किताब है उस बुक में मैग्नीशिया, ठीक है, कॉमनवेल्थ किसने यूज किया, हॉब्स ने यूज किया, लॉक एंड रूसो ने सिविल सोसाइटी यूज किया, हीगल ने नेशन स्टेट यूज किया, ठीक है, और बिहेवियर जो थिंकर है वो पॉलिटिकल सिस्टम शब्द को यूज करते हैं, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा, एरिस्टोटल ने कोइनोनिया यूज किया था, क्लियर, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसकी स्टेटमेंट है, वॉर मेड द स्टेट मेड द वॉर, तो कल परसों हमने किया था वॉर मेड मैन एंड मैन मेड वॉर, आज बताइए वॉर मेड द स्टेट मेड द वॉर, सी ये भी बड़ी अच्छी बात है, एक लोग जो बोलते हैं सब लोग वही बोलते हैं, हाँ सर, चलिए गुड, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी वुड बी ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स टिली, ठीक है, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स टिली, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर चार्ल्स टिली, ठीक है, फंस गए जाल में, कोई बात नहीं सर, चार्ल्स टिली स्टेटेड दैट वॉर मेड द स्टेट मेड द वॉर, क्लियर, क्लियर। चलिए अब ये बताइए वॉर इज टू मैन इज वॉट मैटरनिटी इज टू वुमेन, ये किसने कहा, वॉर इज टू मैन इज वॉट मैटरनिटी इज टू वुमेन, मुसोलिनी, वेरी गुड, अ स्टेट डू नॉट केम आउट ऑफ ओक ट्री बट इट ड्यूर्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉपुलेशन, ये किसने कहा, वेरी गुड, विल प्लेटो होगा आंसर, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ अ स्टेट, ये किसने कहा,
विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट. वेरी गुड, ग्रीन ने कहा. स्टेट यूज लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स, ये किसने कहा? ये वेबर ने कहा. स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ये किसने कहा? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, स्टेट के बारे में किसने कहा? इट इज ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी. प्लेटो वाला स्टेटमेंट रिपीट प्लीज, मैं रिपीट कर दूंगा, प्लीज वेट, इसको पहले कर लेते हैं. ये उस विचारक ने किया जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जिन्होंने किताब लिखा मैन वर्सेस द स्टेट, दैट मीन्स द मैन इज स्पेंसर, द मैन इज स्पेंसर. इन्होंने स्टेट के बारे में बताया, इट इज ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी, याद रहेगा ये देखो. हाँ, अब आते हैं भाग्यश्री के क्वेश्चन पे. भाग्यश्री, वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा था, स्टेट डू नॉट केम आउट ऑफ एन ओक ट्री, मतलब राज्य जो है, राज्य किसी ओक के वृक्ष से नहीं बनता है, बल्कि वहां पे निवास करने वाले लोगों की जो नेचर होता है उससे राज्य का निर्माण होता है. जिसमें उन्होंने कहा स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, व्यक्ति का बृहत रूप ही राज्य है, वो ये स्टेटमेंट है. राज्य जो है वो किसी पेड़ पौधे से नहीं बनता, वहां पे निवास करने वाले लोगों के नेचर से बनता है. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है या नहीं. चलिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर जो पहले बार बार हम लोग किताबें रिपीट करते थे, बहुत सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ा था, वो सारे हम लोग नहीं कर पाए हैं. तो वो सब मैं आज इसलिए नहीं करवाया हूँ क्योंकि वो सारी किताबें मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर किए होंगे. ठीक है, बट अगेन कल भी जो हमारी क्लास होगी वो कंपैरेटिव की ही होगी. ठीक रहेगा, क्या रहेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव में थोड़ा सा एफर्ट लगा देते हैं ज्यादा. ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज, कल हमने एक स्टेटमेंट दिया था लास्ट में और मुझे उम्मीद है आप में से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है. आई हैव नॉट गॉट एनी जवाब. किसी को मिला उसका जवाब? क्वेश्चन क्या था? चॉइस हो या मृत्यु, अगर मैकियावेली से पूछा जाए तो वो मृत्यु, मतलब बेंथम के अनुसार अगर देखा जाए तो मृत्यु चुनेंगे. इसका आंसर होगा सीएल पेपर. ठीक है, सीएल पेपर की स्टेटमेंट है मुझे सुधा. ठीक है, इसका आंसर होगा सीएल पेपर. ठीक है, और एक और कौन सा क्वेश्चन था मैं भूल गया, व्हाट वाज वन मोर क्वेश्चन? हाँ, कॉल का जो वैल ऑफ इंग्रेंस है वो टैबुला रासा से मैच करता है. ठीक है, टैबुला रासा गिवन बाय लॉ. ठीक है, याद रहेगा. चलिए, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन रिमेंबर. सो आई होप जो क्लास हुआ या आप लोग का कुछ रिवीजन हो पाया होगा. मैं ये नहीं कहता पूरा रिवीजन हो गया होगा, बट अगेन कोशिश की हमने कुछ नई चीजें पढ़ी जाए, कुछ अलग हो, क्योंकि पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो थोड़ा सब रिपीटेटिव था. अब कंपैरेटिव में जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, जो चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं हो, बहुत ज़्यादा मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा, बट अगेन कोशिश रहेगी जो आपके इस्तेमाल हो जाए आपके एग्जाम में आपके आगे के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट एवरी वन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिव on the same schedule time. Yes, stay happy, khush rahe, mast rahe, sikhte rahe, muskurate rahe. Thank you.
इस तरह एडिबल बाद